के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक स्पा पार्लर पर क्राइम ब्रांच व महिला थाना ने दबिश देकर 12 युवतियां और 11 युवकों को अनैतिक कार्य करते हुए हिरासत में लिया है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को लगातार शिकायत मिल रही थी कि विजयनगर थाना क्षेत्र में एटम्स नाम के स्पा पार्लर में अनैतिक गतिविधियां चल रही है, जिस पर इंदौर क्राइम ब्रांच व महिला थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए संदिग्ध हालत में 11 लड़के व 12 लड़कियों को रंगे हाथों पकड़ा। वहीं पकड़े गए लड़के लड़कियों में दो लड़कियां थाईलैंड की बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच द्वारा कार्यवाही करते हुए करीब 12 लड़कियां व 11 लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए महिला थाने लेकर पहुंची। बताया जा रहा है कि एटम्स पार्लर पर पहले भी क्राइम ब्रांच द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है। इंदौर से लाला शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। मैम, एक कार्रवाई की इस बात में क्या है तुम्हारा? देखिए, मुद्दे की सूचना थी कि अपना रसोमा चौराहे पे जो एटम स्पा सलून है, जो वहाँ शगुन आर्केड बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा है, वहाँ पर कुछ अवैधानिक गतिविधियाँ, अनैतिक देह व्यापार की शिकायत आई है। तो क्राइम अपराध शाखा और महिला थाने का ज्वाइंट वेंचर था और हम लोगों ने वहाँ पर दबिश दी, तो हमें वहाँ पर 13 महिलाएँ और 11 पुरुष मिले हैं। हम पर्टिकुलर अभी एक एक को वेरीफाई करेंगे किसका क्या रोल है, क्या नहीं है, और उसके बाद इसकी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें बाकी तो सब लोकल हैं, लेकिन दो थाई महिलाएं हैं। अभी कोई पेपर्स हम लोग को मिले नहीं है, इसलिए कहाँ नहीं जा सकता है कि इनके पासपोर्ट वगैरह कहाँ है, सभी चीज़ वेरीफाई की जाएगी। संचालक के बारे में भी अभी कोई पता नहीं है, विवेचना के दौरान जैसे भी आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। युवक कहाँ के हैं? युवक तो सारे लोकल ही हैं, कोई भी बाहर का नहीं है। कोई कारोबारी या नौकरी पैसा वाले हैं? अभी तो विवेचना के दौरान जो भी चीज़ आएगी वैसी की जाएगी और आप लोगों को भी अपडेट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।